फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले तीन हीरोइनों की मूवी आई है, क्रू। ये एक थ्रिलर कॉमेडी मूवी है। तीन हीरोइनें, जिनमें कि दो तो हमारी वेटरन हीरोइंस करीना कपूर और तब्बू, और साथ में कृति सैनन। तो इन तीनों ने मिलकर दिखाया कि हीरोज अगर 100 करोड़ से ज्यादा की पिक्चरें देते हैं तो हीरोइनें भी दे सकती है। कम से कम तीन हीरोइनें मिलके तो दे ही सकती है, जो इस मूवी ने करके दिखाया है। 75 करोड़ के बजट में बनी है और 120 करोड़ का इसने बिजनेस किया है। तो ये एक हिट मूवी की कैटेगरी में आई है। इस मूवी की स्टोरी इंटरेस्टिंग है और कुछ अच्छे गाने भी है। इसमें एक गाना चोली के पीछे, जो कि पहले का सुपरहिट सॉन्ग था, उसको फिर से फिल्माया गया, तो वो भी बड़ा पसंद किया जा रहा है। और इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो इसमें ये तीनों हीरोइने एयर होस्टेस है, जो कि गोल्ड स्मगलिंग के काम में आ जाती है। इंडिया के बाहर गोल्ड को स्मगल करने में, अब वो क्यों करती है और क्या क्या होता है वो आपको मूवी में पता चलेगा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आपने ये मूवी ना देखी हो तो इसमें हीरोइने हैं तो हीरो भी होंगे। इसमें हीरो है दिलजीत, पंजाबी एक्टर, और साथ में कपिल शर्मा का भी इसमें रोल है। दिलजीत का रोल तो इसमें अच्छा है, टाइम कम है पर इम्पोर्टेंट रोल है। पर कपिल शर्मा का रोल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कपिल को सोच के पिक्चर देखेंगे तब तो बिल्कुल निराशा हाथ में लगेगी। गिने चुने ही सीन है, कोई कॉमेडी रोल भी नहीं है, सीरियस रोल है। एक रोल में तो ये अपनी वाइफ तब्बू के पैर दबाते हुए भी दिख रहे हैं। तो मुझे इनका समझ नहीं आया कि इन्होंने ये रोल किया क्यों। शायद इनको मूवीज में काम करने की इच्छा होगी, मूवीज मिल नहीं रही होगी तो मजबूरी होगी, शायद इसलिए किया। तो ये रोल इनका कोई खास है नहीं, पर जो हमारी हीरोइन है इनका रोल बढ़िया है। तीनों ने अच्छा काम किया है, परफॉर्मेंस अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है और मूवी की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है जी। और इसमें कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और ओवरऑल एक अच्छी थ्रिलर है। मस्ट वॉच मूवी तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं कहूंगा बहुत जबरदस्त है, बट एक डिसेंट वन टाइम वॉच मूवी जरूर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ये मूवी मिस हो गई है तो ओटीटी पे जब ये आए तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको रिकमेंड करूंगा और मैं इसको रेटिंग्स दूंगा 3 out of 5।